और आज हम कॉर्न के साथ कुछ कबाब बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कबाब में ना तो हम आलू यूज करते हैं ना बेसन यूज करते हैं, एंड कबाब क्या होने चाहिए, बाहर से थोड़े से क्रंची होने चाहिए और अंदर जाके बड़े सॉफ्ट होने चाहिए, घुल जाने चाहिए मुंह में। कबाब एक ऐसा स्नैक है जो तीखा भी रहता है, नरम भी रहता है, मतलब मखबली भी रहता है, सॉफ्ट भी रहता है और कुरकुरा भी थोड़ा बहुत बाहर से इसका लेयर रहता है। तो ऐसा ही एक कबाब हम कॉर्न से आज बनाएंगे। और हम यहाँ पर, जैसे कि आपने फ्रांसल कुक बुक का थीम देखा होगा कि हमने अभी तक अपने किसी भी डिश में ना तो कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है ना मैदा यूज़ किया है। हम लोग ज़्यादा करके अभी तक रोटी के क्रम्स, रोटी की ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ आज हम वो भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कबाब में व्हीट फ्लावर वगैरह भी या रोटी भी नहीं डलती है। तो चले देखें कैसे हम बनाएंगे कि कुछ देर रुक जाएं। आपसे मेरा बात करना थ्रू कमेंट्स से होगा, तो आप मुझे थम्स अप देते रहिए तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी और आपको सामने ये रेसिपी बताऊँगी। तो बताइए चले आगे या रुकते हैं, कुछ लोग और भी हमको ज्वाइन कर लें सो दैट वो भी शुरू से इस रेसिपी को देख पाए, इसके मसाले देख पाए और कुछ कुछ खास चीजें हैं जो स्पेशली जब आप कॉर्न का स्टार्टर बनाए तो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे डेढ़ कॉर्न लिया है और इस कॉर्न को मैंने बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से, स्वीट कॉर्न को। तो कॉर्न का जब स्टार्टर आप बनाते हैं तो उसको बॉईल करके आप डायरेक्ट कभी ना बनाएं, उससे जो कॉर्न में पानी रहता है वो पानी रहने की वजह से आपका स्टार्टर जो है वो कभी भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं करेगा जितना अच्छा आप शायद रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो आप कभी भी कॉर्न को जब भी यूज करते हैं किसी भी स्टार्टर में तो आप उसको पहले बटर में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा। तो मैंने यहाँ पर डेढ़ कॉर्न लिया है और उसके लिए मैंने डेढ़ चम्मच बटर ले लिया है। और इसमें मैं डाल दूंगी मेरा कॉर्न। कॉर्न को मैं धीमी आंच पे थोड़ा सा इस तरह पीसेंगे जैसे इसका पानी जो है वो चला जाए और ये और भी क्रीमी लगे। अंदर से तो ये क्रीमी है ही, बाहर से भी ये थोड़ा सा और क्रीमी लगे। अब जब तक मेरा कॉर्न थोड़ा सा रोस्ट हो रहा है हम चलते हैं मसालों की तरफ। मसाले इसके थोड़े खास हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि मसाले इतने भी हाई फाई ना हो जो हमारे घर में ना हो, लेकिन मसाले इतने हो जो कबाब में ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कौन से मसाले हमने यहाँ पे लिए हैं। हमने लिया है एक चम्मच जीरा, एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच शाह जीरा, एक चम्मच अजवाइन एक से थोड़ी कम है, और एक से थोड़ा ज़्यादा चम्मच सौंफ, 8-10 काली मिर्ची, और ये जो हमारे दो फ्लावर्स होते हैं बंदिया एंड जायफ्री वो लिए हमने, छोटी इलायची 3 लौंग, और लेनी है बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता। तो ये हमारे जो हैं साबुत मसाले हमने लिए हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। मसालों को थोड़ा सा सिम से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जैसे हमारे कुरकुरे अच्छे से पिस जाएं। यूजुअली हमारे गरम मसाले में अजवाइन और सौंफ नहीं रहता है। अजवाइन और सौंफ मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है जैसे कि कॉर्न जो है कभी कभी किसी को अपच करता है तो वो ना करें, एंड सौंफ का जो एक फ्लेवर होता है जो स्टार्टर्स में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देख सकते होंगे हमने यहाँ पर धनिया लिया है, तो धनिया का जब धनिया रोस्ट हो जाता है और वो जब ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है तो उसका फ्लेवर
चाट में बहुत ही अच्छा आता है। आप ऐसे धनिया पाउडर जो घर पे पीसा हुआ है वो नहीं डाल सकते हैं, इसको हमको ब्राउनिश करना है सो दैट इसका फ्लेवर अच्छा है। हमने यहाँ पे दो लौंग भी लिए हैं, अगर मैंने मिस कर दिया हो बताना। तो ये कुल 12 मसाले हैं जो आप किसी भी कबाब में डालिए तो उसको चार चांद लगा देंगे। तो हम दोनों को रोज हल्का हल्का सा घुमाते हुए सेक लेंगे। तो यहाँ पर एक तव है, एक तरफ हम कबाब को तीखा करने की तैयारी में हैं और एक तरफ हम उसको मखमली करने की तैयारी में हैं। आप देख रहे हैं इसमें जीरा कुनकने की और ये सब आवाज आ रही है गरम मसाले की, और जो एरोमा आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ये जो रेशो मैंने आपको गरम मसाले का बताया है, ये रेशो आप बना के पीस के रख सकते हैं और एक कॉर्न में लगभग एक चम्मच पीसा हुआ मसाला डालेंगे। इतना सारा मसाला हम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ एक चम्मच ही इसका पीसने के बाद मिक्स करेंगे। तो ये हो गया है, अब देखिए धनिया ब्राउन हो गया है, धनिया ब्राउन हो गया है और जीरा वगैरह भी सब अच्छे से खुशबू आ रही है उसकी। तो अब मैं इस मसाले को ठंडा कर दूंगी क्योंकि गरम मसाला हम पीस नहीं सकते, नहीं तो इसका जो खुशबू है वो पूरी चली जाएगी और हमको सिर्फ पाउडर मिलेगा। तो इस मसाले को मैं ठंडा करने आप फिर से एक बार मसाले को देख सकते हैं। अब जब तक हमारा कॉर्न भी यहाँ पर हो गया है, देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ऑल आई कैन सी बटर एंड कॉर्न। मुझे तो इस वक्त इसको ऐसे ही नमक मिर्ची खाने डाल के खाने का मन हो रहा है। तो दिस इज प्रिटी मच डन, तो मैं इसको भी ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब हम एक प्याज ले लेंगे, ये एक मीडियम साइज प्याज है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, इसको भी मैं फेंक लूंगी। अगर आपको मेरी किसी भी रेसिपी के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, या फिर इस रेसिपी के लिए भी कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कबाब जो है वो कॉर्न चीज रोल्स और कॉर्न कटलेट से बहुत ही अलग होते हैं, और जितना एफर्ट हमको इसके मसाले वगैरह बनाने में लगता है, बिलीव मी जब इसका पहला बाइट मुंह में जाता है तो भी रियली चेरिश की वाव। और वहीं दूसरी साइड अगर हम कॉर्न कटलेट बनाते हैं तो शायद उसमें 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और हमारा कटलेट बनके रेडी हो जाता है। इसको मैं डार्क ब्राउन कर लूँगी। और दूसरी ओर मैंने यहाँ पर लिया है 6-7 गार्लिक, 2 हरी मिर्ची और अदरक के 2 पीसेस ऐसे, इसको भी मैं पीस लूँगी। सूखे मसाले में मैंने ले लिया है लाल मिर्ची, अमचूर, हींग, वाइट एंड ब्लैक सॉल्ट। तो ये हो गए हमारे ड्राई मसाले। एंड उसके अलावा हमने लिया है लेमन जूस, जिससे अगेन कॉर्न हमको अपच भी ना करे और लेमन का जो फ्लेवर है खटाई में वो डिफरेंट होता है अमचूर से। तो जब तक हमारा प्याज होता है हम अपना मसाला पीस लेते हैं। तो हमारा मसाला ठंडा हो गया है बिल्कुल,
देखो मैं हाथ ऐसे आराम से लगा पा रही हूँ उसको, तो मैं इसको पीस लेती हूँ। हालांकि ये मसाला मेरे पास कुटा हुआ है, लेकिन मैं आपको स्क्रैच से अपना रेसिपी बताना चाहती थी, जैसे आप बनाएं तो आपको वही टेस्ट आए। बहुत ही अच्छी आ रही है, तो फ्रेश मसाले की बात होती है तो कभी भी पैकेट वाले मसाले में नहीं आ सकती। मेरा प्याज तो यहाँ पर ब्राउन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी जैसे ये पूरा श्रिंक हो जाए और छोटा सा हो जाए। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे जिसमें मैंने आपको बताया अदरक मिर्ची और लहसुन हमने लिया है, तो इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। मैं इसको भी पीस रेडी है, मसाले हमारे रेडी हैं, तो अब चलते हैं इन सबको मिक्स करते हैं। मैं डालती हूँ ऑनियन जो हमने ब्राउन कर लिया है, ये ऑनियन बहुत टेस्टी लगता है। और मैं डाल देंगे हमारा ये मसाला जो हमने बनाया है, तो मैंने कहा था डेढ़ कॉर्न है, तो डेढ़ कॉर्न के हिसाब से डेढ़ चम्मच मसाला डल जाएगा। फिर हमारा डल जाएगा इसमें हमारा नमक और काला नमक,
ये हमारा लाल मिर्ची अमचूर, हमारी हींग, सारे ड्राई मसाले हमारे चले गए, और कोरिएंडर ऑप्शनल है, डालेंगे हम इसके अंदर हमारा पेस्ट जो हमने बना के रखा है, लगभग 2 चम्मच हुआ, तो पर कॉर्न के हिसाब से मैं 1 स्पून डालती हूँ ये पेस्ट। ये हमारा मसाला बन के रेडी हो गया, तो लग रहा है ना ये अमेजिंग। इसको मिक्स करने से पहले एक और चीज कर लेते हैं, हमारा डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रख देते हैं, जब ये मसाला रेडी होता है तभी हमारी तेल भी रेडी हो जाए। मिक्स दिस वेल एंड नाउ आई एम एडिंग लेमन जूस। ये तकरीबन 1 नींबू का रस था, तो दिस मिक्सचर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो हमारा रेडी हो गया है, जिसमें हमारे सारे टेस्ट हैं, कुछ भी हमारा इसमें से मिस नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालते हैं हमारा कॉर्न, ये कॉर्न हो गया, ये हमारा हो गया, हम इसको हाथ से मिक्स करते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हम डालेंगे वो डालेंगे हमारा बाइंडिंग के लिए, ये कॉर्न मक्के का आटा है, मेज फ्लोर, सो इट्स अगेन अ कॉर्न, सो वी आर यूजिंग सिंपली कॉर्न हेयर, तो पर कॉर्न के हिसाब से मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच डालती हूँ, एंड स्टार्ट फॉर मी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी अभी भी थोड़ा गर्म है, एक्चुअली ये थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए एंड उसके बाद ही हमको मिक्स करना चाहिए। सब्जी में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अगर आप सब लोग यहाँ होते तो जरूर चक्कर बताते ये कैसा लग रहा है। सो माय मिक्सचर इज रेडी, इसकी एक और खास चीज अभी आप देखेंगे नेक्स्ट 1 मिनट में कि ये देखते हैं तो दिस इज नॉट लाइक अ कटलेट, ये बहुत ही गीला गीला सा है और कबाब का मिक्सचर ऐसा ही रहता है। तो मैं एक प्लेट ले लूंगी, छोटे से बॉल्स बना के जिसको मैं फिर से फाइन शेप दूंगी, खुशबू आ रही है। थैंक यू।
एक में से पांच स्लाइस कट कर लूंगी मैं, नॉट मोर देन दैट। और इसको मैं लंबा शेप ऐसे बड़ा करती जाऊंगी एंड आई विल टेक वन स्ट्रिप, डबल इट एंड फोल्ड इट। तो दिस इज डन। सो लाइकवाइज वी विल मेक अवर अदर कबाब्स आल्सो। Again, I will take a strip. मैं इसमें थोड़ी सी मोटी और बड़ी स्ट्रिप लगाती हूँ। द रीज़न इज जब कबाब खाएं तो फिर अपने आप को अच्छी तरह से रिवॉर्ड करें विद एक्स्ट्रा चीज। मेरा तेल गर्म हो गया है फिर भी मैं So now kebabs wants to go into the oil. जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाला है तो आई एम शेयरिंग मैनी फलाहारी आइडियाज, तो आपको ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ही इजी क्विक फलाहारी आइडियाज हैं एंड डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आपके फलाहारी एक्सपीरियंस अच्छे रहेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा एंड हमारा आने वाला प्राजू कुकबुक जो कॉन्टेस्ट है फेसबुक WC के पेज पर, ग्रुप पर, उसमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आई हैव मेड अ लवली डेजर्ट एंड दैट डेजर्ट इज लाइक, उसके लिए आप कभी भी फास्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे मुझे तो मीठा बहुत पसंद है तो आई कैन फास्ट एनी टाइम फॉर दैट डेजर्ट। दैट कैन बी माई ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एंड उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई गेट अ ट्रे फॉर सर्विंग। तो कौन कौन आ रहा है इसे खाने? Just amazing. See? And I always want them with little bit of extra cheese.
ऑल डन. नाउ लेट्स ईट टुगेदर.